आयशा, कप की आमद आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान मुकाबला कल है और इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जनूबी कश्मीर के स्पोर्ट्स एनालिस्ट लाल मोहम्मद गनाई साहब। लाल साहब, सबसे पहले खैर मकदम ग्रोइंग कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रोइंग कश्मीर ने मुझे बुलाया, तो मेरी खुशकस्मती है आप आते हैं, कभी मेरे से बात करते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाल साहब, अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट का जो माहौल है इस वक्त हर तरफ देखने को मिल रहा है और इस वक्त भी हम एक फाइनल देख रहे हैं, मगर कल जो है विश्व का सबसे बड़ा मुकाबला जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के पास नहीं रहे, इंडिया के पास बुमराह नहीं रहेंगे, आप इस मैच किस लिहाज से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात नहीं कि इंजरीज पर इंजरीज होती जा रही है, तो रिप्लेसमेंट जो उनका वो हसन आ गया, तो आपको बताते चलो एक दिन वो पहुंचेगा वहां तो दूसरे दिन वो प्रैक्टिस के लिए जाएगा, तो मेरे ख्याल में उसको खिलाना रिस्क से भरपूर होगा, तो मैं समझता हूँ कि मैच जो होगा वो दिलचस्प होगा, लेकिन मैं ज़्यादा मार्क्स इंडिया को देखूँगा, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बैटिंग की डेप्थ की बात करूँगा, उनके पास काफ़ी बल्लेबाजी है, अगर मैं ओपनिंग के रोहित शर्मा टॉप लेवल के बल्लेबाज है, और अगर विराट कोहली फॉर्म में वापस लौटे तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन फखर जमान रिजवान अगर इनिंग्स के ओपनिंग में रनस बनाएंगे, बैद में बाबर आजम को थोड़ा सा खींचेगा, क्योंकि बाबर आजम अगर मैं कहूँगा इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है, तो वो गेम को किसी और भी ले जा सकते हैं, लेकिन बाबर आजम फखर और मैं रिजवान पर ज़्यादा दाव लगाऊंगा। जहाँ तक आपने विराट कोहली की बात की, कहा कि अगर वो फॉर्म में आते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलें खड़ा होंगे, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है ना फॉर्म में आना चाहिए ताकि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, तब जो पाकिस्तान के जो हौसले हैं उनके भी बुलंद हैं। और यहाँ से अगर इंडिया की बात करेंगे तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो केएल राहुल को मिलता है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर केएल राहुल रुके ना तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलें खड़ा हो सकते हैं। ज़बरदस्त बल्लेबाज है केएल राहुल की अगर बात करूँगा, विराट कोहली की अगर मैं बात करूँगा इससे पहले तो उसके पास क्लास जो होता है बल्लेबाज के पास वो कोई कहीं नहीं जाता है, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त अगर वो फॉर्म में लौट गए तो आपने ऐसे ही बात की के आर राहुल, यानी भारत के पास ज़बरदस्त बैटिंग लाइन है, और आखिर पर अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या को वो गेम को दूसरी ओर ले जाते हैं तो बड़े उनके पास बड़े स्ट्रोक्स है, तो ओपनिंग में भी टॉप लेवल की बल्लेबाजी, बीच में अगर मैं मिडल ऑर्डर की बात करूंगा ऋषभ पंत होंगे वहां पर तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी मिडल में भी, और आखिर में हार्दिक पांडे एक टॉप लेवल का फिनिशर है, तो ज़्यादा मार्क्स मैं भारत को ही दे दूंगा। हाँ, बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो दोनों टीमों की बॉलिंग एक जैसी है, बॉलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूँगा तो हिंदुस्तान के पास ज़बरदस्त बल्लेबाजी है, तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा 60-40 का ये मैच रहेगा, लेकिन ये भी बताते चलो कश्मीर पे आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप का मैच था उस बार आपने भारत को 70 दिया था, पाकिस्तान को 30, इस बार क्या भारत को 60 और पाकिस्तान को 40 दे रहे हो? देखिए, मैं एक बात आपको साफ बताते चलूं, प्रेडिक्शन करना हालांकि भविष्यवाणी करना बेवकूफ़ का काम है, लेकिन क्रिकेट की अगर मैं 2020 की बात करूंगा, दिन होता है किसी टीम का, अगर आप कैचेस लेंगे, अच्छी बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे, तो हो सकता है दिन पाकिस्तान का ही हो, तो लेकिन मैं यहां पर आपको वाजे करता हूं 60-40 टू मी, ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, लोग इसे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इट विल बी 60-40। लाल साहब, जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, जो देश के मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, कोई भी डिग्री, तो उनके लिए कोई खास मैसेज इस मैच के हवाले से, क्योंकि वो जो है ना इस मैच को सीरियसली ले रहे हैं? देखिए, ये कोई जंग नहीं है, ये कोई बैटल नहीं, इट इज़ ए क्रिकेट मैच, इसको हम मैच तक ही मैच के हिसाब से ही देखेंगे, इसमें कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं बाहर जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको मेरी ये एडवाइस ले, मैच देखो, जो भी टीम अच्छा खेले उसको चेयर अप करो, लेकिन इमोशनल मत हो जाओ, क्योंकि मैच को हम इस तरह ले रहे हैं आजकल, तो मेरे लिए ये स्पोर्ट्समैनशिप का एक नज़ारा नहीं है, क्योंकि गेम्स जब हम खेलते हैं, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब क्रिकेट शुरू हुआ तो ताल्लुकात हो गए, क्रिकेट हमें आपस में मिलाता है, ये आपस में हमें बिखेरता नहीं है, तो मेरी एडवाइस रहेगी
जिन जनरल कश्मीर के लोगों से भी और बाहर जो भी बच्चे हों यहाँ कश्मीर के, मेरी यही रहेगी मैच को एंजॉय करो लेकिन इमोशनल मत हो जाओ। लाल साहब थैंक यू बात कर रहे थे मेरे साथ लाल साहब जो साउथ कश्मीर के एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। इनका कहना है कि भारत के चांसेस जो है वो 60% बनते हैं और पाकिस्तान के चांसेस जो है वो 40% बनते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा जो देश के मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं उनको चाहिए कि वो इस गेम को जो है एज ए गेम देखे। अपने साथी अयान के साथ मैं शाहिद हसन। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।